देखो, हमारे खानदान में औरतों पे हाथ उठाने का रिवाज नहीं है, लेकिन टेम आने पे मैं तुम्हें भी सीधा कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? जोक कर रही हो? कसम से जोक कर रही हो? कसम ना मेरी। निकलो यहाँ से, अब मैं तुम्हारी बातों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं चाहता कि तुम इस तरह मुझे बर्दाश्त करो, लेकिन मैं समझता हूँ टेम के साथ सब सेट हो जाता है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी दुल्हन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आपा, गुड्डी के अबू ने तो कहा था रात हो गई है सुबह चली जाना, लेकिन मैंने तो कहा खालदा आपा बहू लाइए, मैं सुबह तक का इंतजार क्यों करूं, मैं तो अभी जाऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने। अरे आपा, आपके बहू तो बहुत खूबसूरत है, क्या नाम है? तैयबा नाम है मेरी बहू का। तैयबा? अरे आपा, तैयबा आपकी देवर की बेटी का नाम नहीं था? हाँ, तो मेरी देवरी की बेटी तो है, ये मेरी भतीजी है। लेकिन खाला, आपने तो कहा था कि उस लड़की की कहीं और मंगनी हो गई है, फिर शोभी की आनन फानन आपने कहीं और शादी तय कर दी, और अब ये बहू, ये उसी देवर की बेटी निकली? क्या माजरा है खाला ये? भाई जो भी हुआ हो, हमारा तो अरमान पूरा हो गया ना, अल्लाह ने हमारी मुराद पूरी कर दी, हमें और क्या चाहिए। वैसे भी शोभी के बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि तैयबा मेरे शोभी की दुल्हन बने, और इसकी दादी भी यही चाहती थी। हमारी ख्वाहिश और चाहत सच्ची थी ना, तो अल्लाह ने हमारी मुराद पूरी कर दी।